डार्क चॉकलेट हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में रिया सेन ने काफी बोल्ड सीन्स दिए हैं। एक फेमस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा, ये सच है कि ये सीन्स उनकी बॉडी डबल ने नहीं बल्कि उन्होंने ही किए हैं, लेकिन उन्होंने शरीर के अगले हिस्से से कपड़ा नहीं हटाया। आज के दौर में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसा करने से परहेज करते हैं, यही वजह है कि ऐसे सीन्स उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए जाते हैं। आइए डालते हैं एक नज़र ऐसी ही फिल्मों के बारे में। एक पहेली लीला। एक पहेली लीला में सनी लियोन के कुछ इंटीमेट सीन्स थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीन्स सनी ने को एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए थे, और बॉडी डबल कोई और नहीं उनके पति डैनियल वेबर थे। साथ खून माफ। फिल्म के एक सीन के लिए प्रियंका को टॉप उतारकर उनकी पीठ एक्सपोज करनी थी। ऐसा ही लगता है कि फिल्म में प्रियंका की पीठ दिखाई गई है, लेकिन इस सीन को उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। बैंडिट क्वीन। फूलन देवी की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म के लिए सीमा विश्वास को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में एक सीन ऐसा भी था जिसमें गैंगरेप के बाद ठाकुर फूलन को न्यूड कर कुएं से पानी लाने भेजता है। इस सीन को सीमा ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। एक छोटी सी लव स्टोरी। मनीषा कोइराला स्टारर इस फिल्म की रिलीज के बाद इसके इंटीमेट सीन्स को लेकर काफी बवाल मचा था। मनीषा ने दावा किया था कि सारे सीन्स उनके बॉडी डबल के साथ पूरे किए गए थे, लेकिन फिल्म को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता। हिस। मलिका शेरावत हमेशा इस बात से इनकार करती रही हैं कि फिल्म में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके भाई और को प्रोड्यूसर ने बताया था कि फिल्म में कई सीन्स बॉडी डबल के साथ शूट किए गए थे। फायर। होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस फिल्म का सबसे विवादित सीन नंदिता दास और शबाना आजमी का लव मेकिंग सीन था, लेकिन सीन में जहां नंदिता की पीठ दिखाई जाती है वो हिस्सा उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। पाकिस्तानी एक्टर अली जफर नो किसिंग क्लॉज को फॉलो करते हैं, लेकिन फिल्म लंदन पेरिस न्यूयॉर्क में एक किस सीन की डिमांड थी। इसे पूरा करने के लिए मेकर्स ने अली के बॉडी डबल को यूज किया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।